सो एक अगर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरा अकाउंट गाइस खुद ओपन है और गाइस मैं इसे 2 साल से यूज़ कर रहा हूं। और दोस्तों आप लोग भी अगर अपना खाता खोलना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि गाइस कैसे आप लोग अपना अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आप लोग इससे अपना पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, गूगल पे फोनपे पेटीएम सब कुछ चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें एटीएम कार्ड आपको मिल जाएगा और आपका वैलिडिटी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आप लोग गाइस गूगल पे फोनपे पेटीएम सब कुछ चला सकते हैं। अगर आपका एज 18 साल से कम है या फिर 18 साल से ज्यादा है तब भी गाइस आप लोग इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैसे करना है मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा, ये नहीं कि दोस्तों मैं आपको आधा ही जानकारी दूंगा, मैं दोस्तों इस वीडियो में पूरा फुल जानकारी दूंगा ताकि गाइस आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और गाइस मेरी तरह जैसे गाइस मुझे यहां पर एक कार्ड मिला है, ये गाइस इसे पासबुक बोलते हैं, इसमें आपका अकाउंट नंबर पीछे रहेगा, यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं मैं, यहां पर गाइस आपका जो है अकाउंट नंबर और यहां पर नाम वगैरह सब कुछ रहता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर मेरा नाम है, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद CIF नंबर रहेगा, तो ये गाइस आपका इसमें अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएगा। ये तो समझ लीजिए कि आपका पासबुक हुआ, इससे आप लोग गाइस अपना गूगल पे में गाइस अपना फोनपे पेटीएम सब कुछ चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सारा UPI यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और जब आपका एक बार अकाउंट इसमें ओपन हो जाता है दोस्तों, तो आप लोग इसमें ATM कार्ड भी अपना पता कर सकते हैं। ATM कार्ड गाइस देखने के लिए गाइस आपको मतलब वहाँ पर 25 रुपये देना पड़ता है, तो उससे गाइस बाद में जानेंगे, लेकिन पहले आपको जानना जरूरी है कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग अकाउंट ओपन कर लेंगे तभी गाइस आप लोग अपना ATM कार्ड जो है पता कर पाएंगे। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने ATM कार्ड को जो है पता करेंगे, और गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कैसे अकाउंट ओपन करेंगे। अगर आप लोग गाइस पता करना चाहते हैं कि ATM कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए गाइस आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ता है अपना ATM कार्ड देखने के लिए। ऐसे तो है नहीं कि दोस्तों फ्री में आपको ATM कार्ड मिल जाएगा, तो आपके फोन में गाइस 25 रुपये होना चाहिए, मतलब आपके बैंक में जो आप अकाउंट ओपन कराएंगे, तो जब आपके अकाउंट में गाइस 25 रुपये रहेगा तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, मतलब आपका जो पैसा है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि इस अकाउंट कैसे ओपन करना है, सबसे पहले गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गाइस अपने IPPB बैंक में अकाउंट ओपन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, अपने गूगल क्रोम या फिर क्रोम ब्राउजर को अपने ओपन कर लेना। यहाँ पर जैसे कि आप लोग अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे अपने इस तरीके से अपने मोबाइल फोन में, उसके बाद दोस्तों इस तरीके से कुछ आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपल से गाइस आपको यहाँ पर सर्च वाला आइकन पर चले जाना है, यहाँ पर सर्च वाला आइकन पर क्लिक करना दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा IPPB.com या फिर दोस्तों IPPB इस तरीके से सर्च कर देंगे, तो इस तरीके से गाइस आपका यहाँ पर इस तरीके से एक वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहीं से गाइस आप लोग अपने अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो आपका गाइस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपका वेबसाइट आ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग फोनपे गूगल पे पेटीएम चलाना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी तक नहीं बनाए या फिर डाउनलोड कर लिए तो उसे डिलीट कर दिएगा, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गूगल पे फोनपे पेटीएम का, ताकि गाइस आप लोग वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये न्यू वर्जन का लिंक है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फोनपे गूगल पे पेटीएम बनाने में, तो आप लोग यहाँ से जाकर जरूर से डाउनलोड करिएगा। अब दोस्तों आपको जब इस तरीके से वेबसाइट पर आ जाएंगे दोस्तों IPPB सर्च करके, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है इस तरीके से, जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहां पर कुछ इस तरीके से ऐड आएगा, तो आपको ऐड को यहां से इस तरीके से कट कर देना दोस्तों। यहां पर जब आप लोग इस तरीके से इस ऐड को कट कर देंगे दोस्तों, तो यहां पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करना दोस्तों, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेस्कटॉप साइड पर, अगर दोस्तों आप लोग इसे डेस्कटॉप साइड पर करते हैं क्लिक तभी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम डेस्कटॉप साइड पर क्लिक इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद इससे क्या होता है दोस्तों, सारा जो कुछ फीचर रहता है एकदम लैपटॉप की तरह मतलब छोटा हो जाता है इस तरीके से, तो यहां पर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट आपको यहां पर बार बार जूम करना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, आपको यहां डेस्कटॉप साइड से हट रहे हैं इस तरीके से आ गया। अब जब डेस्कटॉप हट जाएगा दोस्तों, यहां पर इस तरह का इंटरफेस हम यहां से कट देंगे, यहां पर कुछ ऐड आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका यहां पर इस तरीके से एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइस आप लोग अपना, मैं एक बात और बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग अगर इस बैंक में अकाउंट ओपन कर ले रहे हैं तो आप लोग गाइस इसमें कितना भी पैसा नहीं लग सकते हैं, बट यहाँ पर गाइस आप लोग 2 लाख रुपए मतलब मैक्सिमम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ट्रांजैक्शन दोस्तों आप लोग कितना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में कितना भी करें उससे कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों इसमें आप लोग कितना पैसा रखें कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि बहुत लोग समझते हैं कि पैसा कट जाता है बैंक से ज़्यादा पैसा रखने से या फिर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने से, तो इस बैंक में गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है और इसका नेटवर्क हमेशा सही चलता है। और दोस्तों इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो लोग बोलते हैं कि पैसा कट जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों बैंक चाहती है कि आप उनके बैंक में पैसा रखें, क्योंकि दोस्तों आप लोग उनके बैंक में पैसा रखते हैं तो वो पैसा आपका कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे बैंक का ही लाभ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप लोग इस तरीके से 3 डॉट पिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर सर्विस, उसके बाद दोस्तों यहां पर डेस्कटॉप, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहां पर कॉन्टैक्ट अस वाले पे क्लिक करना है या फिर आपको नीचे आएगा सर्विस रिक्वेस्ट, तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन यहां पर ओपन होकर IPPB कस्टमर, यहां पर नॉन IPPB कस्टमर, तो
गाइस आपको यहाँ पर आईपीपीबी कस्टमर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए जाना है। अब गाइस आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ से गाइस आपको मेन काम स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको सबसे नीचे इस तरीके से चले जाना है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर चॉइस एंड ऑप्शन इस पर क्लिक करना दोस्तों। और यहाँ पर गाइस आप लोग क्या है, मिस्टर है, मिसेज है या फिर मेल है, फीमेल है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर गाइस मैं मिस्टर हूँ तो मिस्टर पर क्लिक कर दे रहा हूँ, मेल पर। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर गाइस आपको ध्यान से देखना है, मैं जो जो बता रहा हूँ आपको। सबसे ऊपर में गाइस आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम अपना डालना होगा, जो भी आपका नाम हो। जैसे गाइस मेरा नाम है आदर्श प्रजापति, तो मैं फर्स्ट नेम में दोस्तों अपना आदर्श नाम डाल दूंगा। उसके बाद लास्ट में नेम में दोस्तों आपको अपना जो भी सेकंड नेम होगा, मतलब आदर्श के बाद जो प्रजापति है उसको नाम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है लास्ट में नेम में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से आएगा मोबाइल नंबर डालने के। जो गैस आप लोग इस बैंक में मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं आप लोग वो मोबाइल नंबर अपना इंटर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ नहीं डालेंगे, सब कुछ अभी बताने के बाद में डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब कुछ इस तरीके से आपको डालना है, यहाँ पर आईपीपी मतलब बैंक ओपन करने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए। अब दोस्तों जब आप लोग फर्स्ट नेम डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डाल देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा मोबाइल नंबर डालेंगे, तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों यहाँ पर आएगा ईमेल डालने के, कोई भी आप ईमेल अपना डाल दीजिएगा जो भी आपके फोन में मतलब होगा। आपको मैं ईमेल कैसे देखना है आपको यहाँ से बैक कर देना है। अब गाइस आपको यहाँ पर जब बैक कर देंगे तो इस तरीके का एक एप्लीकेशन होगा गाइस, सभी के फोन में होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले गाइस आपके इस तरीके से फोन में यहाँ पर होगा, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर इस तरीके से ओपन करना है, यहाँ पर इस तरीके से जीमेल का एक ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और सभी के फोन में गाइस जीमेल आईडी होता है, तो यहाँ पर गाइस आपको कोने में थ्री डॉट पे यहाँ पर आपका जीमेल दिख जाएगा, तो आप इस जीमेल को अपना डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉपी करके या फिर देख करके एक एक अक्षर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब आप लोग इस तरीके से डाल देंगे, डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको वहीं पर आ जाना है। अब यहाँ पर गाइस जब आप लोग इस तरीके से अपना मेल डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एड्रेस फर्स्ट लाइन अपना जो भी एड्रेस होगा गाइस अपना, जैसे गाइस आपका कोई भी मतलब नाम है तो आप गाँव का नाम, उसके बाद में गाइस ब्लॉक, उसके बाद में गाइस आप लोग अपना जिला जो भी होगा आप यहाँ पर डाल दीजिएगा एड्रेस फर्स्ट लाइन में। उसके बाद एड्रेस सेकंड लाइन में गाइस कोई भी होगा आपका तहसील वगैरह, तो सब कुछ आप इसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जब आप लोग सब कुछ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आएगा एक पिन कोड डालेंगे, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा गाइस 6 अंक का होता है बहुत लोगों का, तो 6 अंक का गाइस आपके एरिया का पिन कोड होगा, आप उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, तो ये गाइस ऑटोमेटिकली कभी कभी सेलेक्ट हो जाता है, बट यहाँ पर गाइस आप लोग इस तरीके से चॉइस एंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली गाइस सेलेक्ट हो जाता है। आप यहाँ पर नीचे आईपीपीबी इस तरीके से ब्रांच आएगा, डिवीजन आएगा, उसके बाद यहाँ पर रीजन आएगा, और यहाँ पर सर्कस स्टेट आएगा। इस तरीके से अगर आप लोग भरते हैं तभी ठीक है, नहीं भरते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आएगा आई एग्री का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से नीचे जाएंगे, आप यहाँ पर गाइस आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा इस तरीके से डालने के लिए। गाइस कैप्चा कोड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कैप्चा कोड जो है गाइस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अब मेरा कैप्चा कोड चेंज हो गया, तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, अपना कैप्चा कोड जो भी है यहाँ पर डाल देना है इस तरीके से। अगर आपको अपना कैप्चा कोड जो भी आपको समझ में आएगा यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, जो आपको यहाँ पर दिखेगा, सबके में अलग अलग दिखेता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप लोग सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और आपका अकाउंट जो है गाइस सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंग्रेचुलेशन, योर रिक्वेस्टेड सबमिटेड, इस तरीके से विल बी कॉन्टेक्ट यू इमीडिएटली, इस तरीके से लिखा होता है। मतलब कि ये बता रहा है कि आपसे गए जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मतलब मेन ऑफिसर हैं वो आपसे गए यहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे और आपसे कुछ डिटेल मांगेंगे, जैसे आधार नंबर वगैरह हुआ, तो आप लोग देख करके मतलब अपना बता दीजिएगा। और आप हो सकते हैं वीडियो कॉल पर कुछ बात वगैरह करें या फिर आपका चेहरा स्कैन वगैरह करें, तो उससे गए क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर मतलब आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाता है। बट यहां पर अगर आपका अकाउंट यहां पर ओपन नहीं हो रहा तो आपका जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है दोस्तों, आप लोग वहां पर जाके आधार कार्ड लेकर जा करेंगे और फोटो वगैरह लगेगा, एक आध फोटो लगेगा या फिर दो फोटो लगेगा, तो आप लोग वहाँ से भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर यहाँ से आपका नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ से आप लोग इस तरीके से कर लेंगे तो आपसे कंप्यूटर मतलब जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिसर होंगे वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद जो जो पूछेंगे डिटेल वगैरह तो सब कुछ आप डाल दिएगा दोस्तों। उसके बाद नहीं आपका जो है अकाउंट ओपन कर दिएगा, सेविंग अकाउंट। अगर दोस्तों आप लोग सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम चलाना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।